सो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी। मुझे भी आप लोगों की तरह बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे पता चला कि मैं कहीं जा रहा हूँ। यस, ऐसा होता नहीं है कभी जिंदगी में, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। इट्स अ सडन प्लान एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग टू हैपन। एक्चुअली सारा पैकिंग हैज़ बीन डन। कल मैंने पैकिंग किया था, लाइक विद इन 24 आवर्स सारा पैकिंग खत्म हुआ। 24 आवर्स भी नहीं, 18 घंटा शायद। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। चलो चलते हैं। मुझे पानी से बहुत डर लगता है और इसीलिए बीच मुझे पसंद नहीं है, पर जिंदगी का असली मजा तो डर को जीने में है। फाइनली मैं एयरपोर्ट तो पहुंच गया एंड दिस टाइम आई एम नॉट अलोन। देर आर अ फ्यू मोर पीपल हु आर गोना कम एंड जॉइन मी इन दिस फ्लाइट फ्रॉम हियर टू समहर। आप लोगों को शायद पता चल गया अभी तक। सो व्हाट वेट, मैं अभी ट्रॉली ढूंढता हूँ एंड लेट मी वेट फॉर दोज गाइस। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरे को बिफोर द सिक्योरिटी चेक इन इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा विद द टिकट्स एंड ऑल। एंड जो दो लोग मेरे साथ आने वाले थे, दे मिस द फ्लाइट। एक्चुअली हम लोगों का फ्लाइट नहीं होगा, बोर्डिंग नहीं होगा, सो दे आर एक्चुअली रिशेड्यूलिंग देयर फ्लाइट एंड आई एम नॉट श्योर कि कब क्या फ्लाइट होगा उन लोगों का, पर मेरा फ्लाइट होपफुली मिस होगा नहीं, देखते हैं। तो ये है आज की प्यारी सवारी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे विंडो सीट मिला है जो कि अक्सर मिलता नहीं है। सो देन द फ्लाइट टुक ऑफ एंड इट वेंट टू हैदराबाद। हैदराबाद में क्यों? क्योंकि हैदराबाद में मेरा लेओवर था। सो हैदराबाद पहुँच के मैंने लंच किया जो कि मैं घर से ही लेके आया था। कुछ कुछ लोगों को पता होगा शायद कि मैं घर से थोड़ा खाना लेके जाता हूँ, आदत सी है। तो उसके बाद 2 घंटे वेट करने के बाद मेरा नेक्स्ट फ्लाइट था हैदराबाद से गोवा। साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में कितना डिफरेंस है किलोमीटर वाइज? 45 किलोमीटर। ओके, नॉर्थ गोवा ज़्यादा अच्छा है, एकदम बेस्ट है। ओके, सो अभी हम लोग रुके हैं कंसौलिम, जगह का नाम है एंड नाम दिखाओ। यस कंसौलिम, वहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। अरुण भैया गए हैं फॉर द मनी पार्ट, पैसा वैसा निकालने के लिए। एंड रातुल भैया एंड अनिंदिता, शी विल ऑलवेज बी माई मैम। एक्चुअली आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग विद दिस थ्री। मतलब प्लान क्या हुआ था कि मैं इन दोनों के साथ, रातुल भैया और अनिंदिता मैम, इन दोनों के साथ फ्लाइट में, सेम फ्लाइट में आऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली दे मिस द फ्लाइट एंड आई हैड टू कम अलोन एंड देन वी रियूनाइटेड एट गोवा इट्सेल्फ, गोवा एयरपोर्ट में। एंड अरुण भैया भी आ गए थे, यू कैन सी हिम देयर। यस, हाँ, टेम्परेचर इज़ ओके। दोपहर में गर्मी ज़्यादा होता है एंड यहाँ से जो हमारा रिजॉर्ट है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं, इट इज़ क्वाइट फार, अभी तक आधा घंटा से 40 मिनट ले लेगा। सो फाइनली मैं पहुंच गया अपने रूम पे। दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लेस जहां मैं रहूंगा
रूम टूर अच्छे से किसी आई मीन द नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूंगा. एंड लेट मी ओपन दिस प्लेस एंड सी द बालकनी. वाओ, छोटा है बट इट्स रियली गुड. एंड अभी यहाँ से निकलने वाले हैं. वी आर गोइंग टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे थोड़ा गाना वगैरह एंड डिनर भी करना है. बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ ट्रैवल व्लॉग. यस, दिस इज़ एक्चुअली अ बिजनेस ट्रिप जिसके मैं आया हूँ, काम से आया हूँ. और अगर घूम सकते हैं तो घूम लेंगे. तो अभी हम लोग जा रहे हैं जोकॉन्स बीच में, राइट? जोकॉन्स बीच, यस. प्राइवेट बीच, प्राइवेट बीच ऑफ द रिजॉर्ट दैट यू आर स्टेइंग. लाइव म्यूजिक पार्टी, यस, स्टार्टिंग नाउ. यस, बट गाड़ी इधर से आगे नहीं जाएगा, सो यहाँ से पैदल चल के जाना होगा. पता नहीं आगे कितना दूर है. साउंड बजिंग, यस, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है. और फिर हम लोग पहुंचे एक शैक पे. दैट प्लेस वाज सो अमेजिंग गाइस. और ये जो रिजॉर्ट में हम लोग रह रहे थे ना, इनका खुद का एक प्राइवेट बीच. और कितना पार्टी चल रहा था, बहुत हार्ड पार्टी चल रहा था और बहुत मजा आ रहा था. और फिर हम लोग ने शुरू किया अपना खाना खाना. शुरू होता है इस चीज से, इसको कहते हैं किंग क्रैब. और गोवा आए हो, दारू नहीं पियो तो कैसे चलेगा भाई, बट मैं तो पीता नहीं हूँ. फिर हमारा खाना खाना शुरू. और इसे कहते हैं लॉबस्टर. इतना लाजवाब, इतना टेस्टी था ना भाई, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है सिर्फ देखो इसको. वाओ. और इसको मछली कहते हैं. पर मैं सोच रहा था हम इंसान हैं या दानव है, क्योंकि चंद मिनटों में इसका जो हालत बना लिया था ना, देखो, मतलब सीरियसली फक. और फिर आता है इन लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट, अमेजिंग. फिर खाना खाने के बाद हम लोग गए बीच साइड पे थोड़ा पानी के साथ खेलने. और खेलते खेलते मेरा चप्पल निकल गया. चप्पल निकल गया था पूरा, एकदम चला जा रहा था. रातु भैया ने बचा लिया. आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर टोटली कन्फ्यूज कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों आया हूँ एंड ऑल दोस पार्ट्स. लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. पहली बात, वी आर हियर टू एन्जॉय. नाउ एन्जॉय वॉट? एन्जॉय द सक्सेस. मतलब छोटा है बट इट्स रियली गुड फॉर मी, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस था मेरा on the work, on the venture that I have started, वो exceed कर गया है. So for that we planned a group summit and कुछ important discussions भी करने हैं for the next year. मतलब इस साल जितने ऐसा business किया है and the next year उसको भी इस expectation से और आगे ले जाना है. So all those parts, मतलब it's a mixture of party and development of business for the next and coming days. So this is the whole trip about, 4 दिन का है. And currently I am actually enjoying at the beach. And this is actually a private beach. अभी कितना time हो रहा है? देर बज गया है. And we are still here. And that's Anindita ma'am. Hi. Here, being my cameraman. And Ratulda, one of the two best persons that I have met recently in my life. मतलब if she wasn't there at one point of time in my life, I don't know आज मैं कहाँ होता. Like this is something coming from the core of my heart. मतलब I am not saying something, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, because I know I cannot explain that, I know I cannot express that thing in a good way. Ma'am, you need to come here. Okay. Because आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ ना, it's because of her. And the day I met her, out of no intention in my mind, just to talk to her about what she is doing in her life and all those part, and I don't know how things happened. Or uske baad things started to change. And thank you, ma'am, for the opportunity, maybe for the help that you have given me, because this has, after like 9-10 months, it has brought me here in this phase of my life where I can, I remembered how to smile again. Thank you so much. बाकी बातें बाद में, इमोशनल हो रहा है थोड़ा. अभी बज रहे रात के 3. कल क्या होने वाला है, इट्स टोटली अनप्लान्ड. आज का दिन बहुत ही अच्छा गया. वी एन्जॉयड अ लॉट, रात तक बैठ के बातें की, हैड अ लॉट ऑफ गुड डिस्कशंस. एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. कल मिलते हैं. कहाँ पे व्लॉग शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं पता. सो कल मिलते हैं एक नए दिन की शुरुआत के साथ. कल रूम टूर होने वाला है एज़ फार एज़ आई नो. गुड नाइट.